जैसे आप देख पा रहे हैं कि हाउ पंप एंड डंप वर्क्स, दिस इज अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हाउ पंप एंड डंप वर्क्स। तो डेली का अगर हम चार्ट यहाँ पे ओपन अप कर लेते हैं, सॉरी एक मिनट का चार्ट में अगर ओपन अप कर लेता हूँ, एक दिन का प्राइस मूवमेंट मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसे क्या हो रहा है। सो अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, प्राइस मूवमेंट यहाँ पे टाइम आपको देखने को मिलेगा, टाइम यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं, मेरा अगर फेस यहाँ पे है, सो आई जस्ट मूव माई फेस फ्रॉम हियर। सो मार्केट कितने बजे खुलता है? 9:15 में मार्केट खुलता है। तो यहाँ पे आपका 5 तारीख, जैसे आप देख पा रहे हैं, RSI नीचे जो है ये RSI है, RSI मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, ऑलरेडी 5 तारीख को, मतलब 5 तारीख के पहले वाले दिन 4 तारीख को ये अंडर बॉर्ड जोन में आगे क्लोज हुआ था, ये भी फिर अंडर बॉर्ड जोन में आगे क्लोज हुआ था। ये प्राइस मूवमेंट आप देख पा रहे हैं, एवरेज प्राइस, आई थिंक दिस इज एवरेज, हाँ एवरेज RSI है। सो फिर 5 तारीख को जब सुबह ये खुला 9:15 को, देखिए अचानक से ये जंप किया, अचानक से जंप किया क्योंकि लोगों ने बहुत यहाँ पे बाई किया। ठीक है, बाई करने से क्या होता है कि डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ने से आपका जो वॉल्यूम प्राइस है वो बढ़ता है, तो प्राइस बढ़ गया। फिर यहाँ पे आके सेल हो गया, सेल होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए एकदम सीरीज में आपको जो है यहाँ पे सेल हो रहा है। तो सेल होने से क्या होता है, सेल होने से होता है कि भैया आपका जो प्राइस है, मतलब जो स्टॉक का प्राइस है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है, जो वो स्टॉक का प्राइस क्योंकि सेल हो रहा है, स्टॉक का प्राइस जो वो गिर रहा है, यहाँ पे RSI भी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे गिर रहा है, ये गिरता गया। ये मतलब देखिए विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपका जो है स्टॉक पंप करके डंप कर दिया, और ये पूरा दिन आपका साइडवेज आपका चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और फिर आपका फिर से यहाँ पे परचेज हुआ, परचेज होने के बाद प्राइस बढ़ा, फिर अचानक से किसी ने यहाँ पे सेल कर दिया, फिर देखिए RSI जो है नीचे गिर गया, मतलब प्राइस भी जो है वो नीचे गिरेगा। यहाँ पे कितना था, 577, यहाँ पे 571 पे आ गया। तो यहाँ पे अगर हम अगर इवनिंग में जाते हैं तो यहाँ पे सब देख पा रहे हैं कि 12:40 को किसी ने एक ब्लॉक परचेस किया था, तो अचानक से इसका जो प्राइस है 500 578 से 579 तक गया है। फिर यहाँ पे उतना बहुत ही हल्का फुल्का परचेस हो रहा था, मतलब यहाँ पे भी डंप नहीं हो रहा था, यहाँ पे हल्का फुल्का परचेस हो रहा था, तो ऑलरेडी RSI जो है वो नियर अबाउट 65 के 67 के रेंज में आ गया था। ठीक है, हल्का फुल्का परचेज हो रहा है, यहाँ पे हल्का फुल्का परचेज हो रहा है, और डे यहाँ पे खत्म हो जाता है। जैसे आप देखो 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, 3:30 बजे जो है मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। नेक्स्ट यानी 6 तारीख को किसी ने यहाँ पे बहुत बल्क ऑर्डर मार्केट रखा हुआ था, बल्क ऑर्डर मार्केट रखा हुआ था, हाई मतलब बड़ा एक ब्लॉक जो है उसने यहाँ पे बल्क ऑर्डर मार्केट रखा हुआ था। तो जैसे ही अगले दिन जो है 9:15 बजे 9:15 को जो मार्केट खुला, देखिए अचानक से जंप मारा, यहाँ पे कितना था, 580 गया 603 पे, मतलब 24 रुपीज़ जो है आपका जंप हो गया, विच इज़ क्वाइट अ लॉट। 5% इनिशियली जंप किया, फिर जंप करने के बाद ही किसी ने इसको डंप कर दिया। देखो आप कैसे पंप और डंप काम करता है। आपको यहाँ पे जब आप रिटेल इन्वेस्टर है ना, आपका टारगेट होना चाहिए कि कैसे मैं एवरेज में पैसा कमा सकता हूँ। आप शॉर्ट टर्म करो, लॉन्ग टर्म करो, मिड टर्म करो, कुछ नहीं मैटर करता है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इसमें फंसना नहीं चाहते हो। अगर आप देख रहे हो कि भाई कैपिटल ऊपर नीचे हो रहा है, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना। आपको देखना है कि भैया मेरा कंपनी का फंडामेंटल ठीक है या नहीं, टेक्निकल ठीक है या नहीं, फिर उसके बाद मैं जाकर मार्केट में घुसूंगा। ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपको यह समझना है कि भाई कैसे चार्ट मूव करता है, कैसे एक स्टॉक जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ पे देखो अभी पंप कर रहे, अचानक से यहाँ पे डंप कर दिया। ये देखो आप 608 606, यहाँ पे आपको लग रहा हो 2 रुपये पर, अगर आप 10 लाख शेयर बैठे हुए हो तो ये चीज मैटर करता है। फिर RSI देखिए एकदम ऊपर चला गया, ओवरबॉट जोन में है। फिर से किसी ने यहाँ पे अच्छा हल्का एक्युमुलेशन करके फिर से यहाँ पे डंप कर दिया, हाई वॉल्यूम में डंप कर दिया। RSI देखो नीचे कहाँ गया, 35 पे आ गया। फिर से किसी ने यहाँ पे हल्का ब्लॉक परचेस किया, फिर से डंप कर दिया। फिर यहाँ पे ब्लॉक परचेस किया, यहाँ पे बेसिकली बेयर और बुल के बीच में जो है झगड़ा, मतलब जो एक पुश एंड पुल चल रहा है। यहाँ पे देखिए लार्ज ब्लॉक किसी ने परचेस किया, तो ये दिन का एक एक दिन का मैं आपका जो है यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। उसी दिन आपका देखिए मार्केट क्लोज हो गया, चलो कोई बात नहीं, मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ, 608 पे, और नेक्स्ट दिन भी किसी ने यहाँ पे पंप किया, 608 से चला गया 640। तो इसी तरीके से यहाँ पे स्टॉक का जो मैनिपुलेशन किया जा रहा है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नहीं तो क्या होगा, आप इन्वेस्ट किया जाएंगे, यहाँ पे देखो ये मैनिपुलेशन हुआ, यहाँ पे ये मैनिपुलेशन पंप एंड डंप हुआ, ये पंप एंड डंप हुआ, ये पंप एंड डंप हुआ, आपको समझिए ये पंप एंड डंप है। यहाँ पे देखिए आप वॉल्यूम अगर चेक करेंगे ना, वॉल्यूम देखने से आपको पता चलेगा कितना वॉल्यूम हो रहा है। यहाँ पे पंप एंड डंप हुआ तो आप यहाँ पे पंप हो रहा है फिर डंप कर रहे हैं, तो ये सब चलता रहेगा। ठीक है, दिस इज पार्ट एंड, क्योंकि नया स्टॉक है, लोग ऐसा करेंगे, IPO से निकला है अभी ये कंपनी, सो लोग करेंगे ऐसे, यहाँ पे भी पंप एंड डंप हो रहा है, सो दैट्स परफेक्टली फाइन। बट आपका टारगेट ये होना पड़ेगा, डोंट गेट टू मच एक्साइटेड, लाइक मेरा कैपिटल डूब गया, डोंट डू दैट, इट विल बी फाइन। अभी कंपनी के फंडामेंटल्स में आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फाइबोना की आपका रिट्रेसमेंट करके हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई ये जो ब्लॉक जो मूवमेंट हो रहा है ये कहाँ पे जाने वाला है, कैसे मूवमेंट करेगा, नहीं मूवमेंट करेगा, सो आपको एक पता चल जाएगा कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो अभी इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, विल नॉट डू टेक्निकल एनालिसिस, बट हम समझेंगे कि हाउ द स्टॉक इज यू नो वर्किंग राइट नाउ। तो RSI के हिसाब से अगर आप चेक करते हैं, यहाँ पे RSI जो है, RSI देखने से आपको क्या पता चलता है, ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में 100, मतलब सीलिंग में चला गया, स्टॉक नहीं है मार्केट में, फिर किसी ने यहाँ पे डंप कर दिया, मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं है बट इट इज राइट नाउ कंप्लीटली ओवरबॉट जोन, फिर किसी ने यहाँ पे मतलब अचानक से छोड़ दिया। यहाँ पे देखो एक भयानक स्पाइक हो रहा है, यहाँ पे कितना 640 में था, 610 में आ गया, किसी ने यहाँ पे पूरा छोड़ दिया मार्केट को, फिर से यहाँ पे वो आ गया एवरेज, फिर से किसी ने यहाँ पे छोड़ दिया, फिर से किसी ने यहाँ पे भयानक पूरा भयानक पंप एंड डंप यहाँ पे हो रहा है। मंडे को जब आप देखेंगे 11 तारीख को जब खुलेगा ना, तब देखेंगे पूरा उछाल मारेगा ये, ठीक है, फिर से वो गिरेगा। सो दिस इज परफेक्टली फाइन, सो लेट अस अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स।